ही व्हाट्सअप के कैसे हैं आप सभी। मैं अभिमन्यु एक बार फिर हाजिर हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का जो वीडियो है, ये वीडियो टैलेंट पे आधारित है। व्हाट इज़ द टैलेंट, टैलेंट क्या है, हम हमारे टैलेंट को कैसे जाने और हमारे जीवन में टैलेंट का क्या योगदान है, क्या काम आता है टैलेंट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रखा था, व्हाट इज़ द टैलेंट, टैलेंट क्या है। सबसे पहले मैं टैलेंट की डेफिनेशन देना चाहूँगा आप सभी लोगों को। टैलेंट वह एक असाधारण गुण है, टैलेंट वह एक असाधारण गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी कार्य को प्रभावी तरीके से कम समय में और अच्छे कुशलता से उस कार्य को पूरा करता है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस उसे जानने की देर होती है, पहचानने की देर होती है। और टैलेंट ही व्यक्ति का गुण होता है जो उसे रातों रात बड़ी ऊँचाइयों तक ले जाता है और सफलता दिलाता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हम कैसे जाने हमारे अंदर क्या टैलेंट है, किस प्रकार से हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारे अंदर ये टैलेंट है और ये क्या खूबियाँ हैं। तो इसके लिए हमने फोर वे टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट, हमारे टैलेंट को जानने के लिए हमने चार चीज़ें बताई हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी और मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट चीज़ है मेडिटेशन, एकाग्रता, एकाग्र चिंतन करके। जब कभी आप अकेले हों, आईने के सामने जाइए, आप आईने के सामने बात करेंगे, अपने आप से ये सवाल करेंगे, अपने जहन में ये सवाल डालेंगे कि मैं किस काम को अच्छी से बेहतर कर रहा हूँ, मुझे क्या काम करना पसंद है, मैं किस काम को बहुत परफेक्ट और तेज़ी से कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका एकाग्र चिंतन करेंगे जब आप, तो आपके मन से अंदर से विचार आएगा कि हाँ, मैं इस काम को बेहतर कर पा रहा हूँ या इस काम में अच्छा हूँ। दोस्तों, वही एक टैलेंट है। तो हम सेकंड जो बताएंगे आपको, सेकंड चीज़ है दोस्तों, परफॉर्मेंस, एक्टिविटी को परफॉर्म करना। जब भी आप कोई टास्क एक्टिविटी लेते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, तो आपका टैलेंट निकल के बाहर होता है। जब आप परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप बेहतर हैं इस काम में, बेहतर नहीं है। तो दोस्तों, एक्टिविटी को परफॉर्म करना, कहीं ना कहीं हिस्सा लेना, जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन है, कोई डांस कंपटीशन है, कोई गेम्स, एनुअल गेम्स कंपटीशन है, तो दोस्तों आज जब आप उनमें गेम्स में हिस्सा लेंगे, कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेंगे, आप अपने अंदर के भाव को प्रकट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ से परफॉर्म करने के बाद आपको ये निकल के आएगा आप अंदर से कि हाँ, मैं इस काम को अच्छे से कर पा रहा हूँ, या लोग आपको बाहर से जानकारी मिलेगी कि आप अच्छा कर पा रहे हैं, तो आपको खुद महसूस होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक्टिविटी परफॉर्म करके भी आपको ये मालूम चलता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट मौजूद है, विद्यमान है। और जो कि तीसरी चीज़ हमने बताई दोस्तों, तीसरी चीज़ है सोशल पीपल, सामाजिक लोग। हमारे समाज में रहने वाले सभी लोग, जैसे कि हमारे दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस, तो दोस्तों उन लोगों से हमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिलते हैं कि आपके अंदर क्या कुछ खूबियाँ विद्यमान हैं, क्या कुछ आपके अंदर टैलेंट है जो है, क्या किसी किस काम में आप बेहतर कर पा रहे हैं। आपकी एक्टिविटी को देखते हैं और आपको एक रिव्यू देते हैं, नहीं आप इसमें अच्छा कर पा रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो लोग भी हमें संकेत दे रहे हैं, हमारे अंदर के भाव को निकाल रहे हैं कि आप, यू कैन डू इट, आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है। तो दोस्तों, वो लोग भी हमें संकेत दे रहे हैं। चौथी जो मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो है टाइम। अब दोस्तों, आप कहेंगे टाइम, तो दोस्तों टाइम हमारे जीवन जो कि चल रहा है, हम दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें हमें इमीडिएट रेस्पॉन्ड करना पड़ता है, इमीडिएट फेस करना पड़ता है। हम किसी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आते हैं, उस समय दोस्तों हमारा टैलेंट निकल के बाहर आता है कि हमारे अंदर टैलेंट मौजूद था, इसी कारण हम उस क्रिटिकल कंडीशन को फेस करने में सफल रहे, सक्सेस रहे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं समय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे टैलेंट को निखारता है। तो दोस्तों, हमने चार चीज़ें जो बताई जो कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करती हैं, टैलेंट आपके टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन में लाती हैं, आपको ये जानकारी देती हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है। दोस्तों, टैलेंट
वह है जो आपको रातों रात सफलता तक पहुंचा देता है, और महज कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में ही आपको एक बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो दोस्तों, अपने टैलेंट को जानें, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने टैलेंट को पहचान लेंगे और उसके अनुरूप कार्य आरंभ कर देंगे तो निहायत ही आप बहुत जल्दी सफल होंगे, मंजिल को प्राप्त करेंगे दोस्तों। और आज मैं एक एग्जांपल भी लेना चाहूँगा, क्योंकि अब वीडियो हमारा हुआ है टैलेंट पे, तो हम एक बच्चे का जो कि अभी करंट में बहुत चर्चा का विषय रहा, आप एक बच्चे को जानते होंगे, स्क्रीन पे फोटो आप देख पा रहे होंगे, सहदेव करके लड़का है जो कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। महज 14 वर्ष की आयु में उसने छत्तीसगढ़ से चंडीगढ़ का सफ़र कैसे तय किया, मीन्स दोस्तों छत्तीसगढ़ का रहने वाला लड़का, उसने एक गाना गाया था 2 साल पहले, जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार, ऐसा कुछ गाना था दोस्तों। उस बंदे का वो गाना इतना मार्केट में चला या लोगों ने इतना वायरल किया, इतना शेयर किया कि बॉलीवुड और उनको सिंगर्स को खुद उस बंदे से कांटेक्ट करना पड़ा, उसके गांव में उसे लेने जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उसने अपने जो टैलेंट था उसको समझा, और या फिर उसको रिप्रेजेंट किया, परफॉर्म किया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो सब टैलेंट मौजूद है, खाली हम उसे प्रस्तुत करने से घबरा रहे हैं, लोगों के सामने लाने से घबरा रहे हैं दोस्तों। तो उसे पहचानें आप और अपनी सफलता को हासिल करें, यही हमारा उद्देश्य रहता है हर एक वीडियो के पीछे। तो दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।